सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल न्यूज बॉय। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर बात करूंगा एंड मैं बात करने वाला हूँ गरीब का जो कंट्रोवर्सी हो रहा है अभी उसके बारे में। बहुत सी चीजें आपको पता चल चुका है अभी, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ हो चुका है। बहुत लोगों ने और चिट्ठा खोला है गरीब का, और भी बहुत कुछ हुआ है, वो सब मैं अपने वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बात कर लेते हैं अब ये कॉन्ट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आपको पता होगा कुछ टाइम पहले गरीब जो है अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, वीडियो मतलब एनिमेटेड वीडियो अपलोड किया था वो, जिसका टाइटल था मेरा पहली बार सबवे। तो इस वीडियो का जो एनिमेशन का काम किया था वो काम क्या था, एनिमेटर भाई नाम का एक यूट्यूबर है, उसने जो है इस वीडियो का एनिमेशन का काम किया था। तो एनिमेटर भाई 3 दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, हाउ गरीब फूल्ड मी। तो इस वीडियो में एनिमेटर भाई बात किया गरीब के बारे में कि गरीब ने जो है उसके साथ कैसे धोखा दिया। वो बात किया कि जो एनिमेशन का काम किया था उसने गरीब के लिए, उसके लिए डील हुआ था, मतलब गरीब ने कहा था कि उसको वो पैसा देगा एंड शाउट आउट देगा। लेकिन जब गरीब ने वो वीडियो रिलीज किया तब एनिमेटर भाई को बहुत बुरा लगा, क्योंकि गरीब ने जो है उसको शाउट आउट एंड में दिया, मतलब लास्ट में, वो भी 5 सेकंड के लिए सिर्फ ऐसा, मतलब शाउट आउट दिया एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दिया लेकिन वहां पर बताया नहीं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है बोल के। उसके वजह से जो है एनिमेटर भाई को बहुत मतलब बुरा लगा, क्योंकि उसने दिन रात एक करके वो एनिमेशन का काम किया था, उसने बहुत मेहनत किया था एंड ऑब्वियस सी बात है एनिमेशन का काम मामूली काम नहीं होता, बहुत मेहनत लगता है। चलिए मैं आपको कुछ पार्ट्स दिखा देता हूं एनिमेटर भाई के वीडियो का। उसके बाद उसने अपलोड कर दिया और मैं देखता हूँ कि उसने आखिर में शाउट आउट दिया है, दिया भी है तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है लेकिन वो उसने वीडियो में बोला तक नहीं है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहली बात तो आखिर तक ज़्यादा लोग देखते नहीं है, उसको भी पता है, और उसने कहीं पे भी एक ठीक से मेंशन नहीं किया है। फिर मुझे गुस्सा आया, शाय पर्सन हूँ रियल लाइफ में, मतलब जब भी किसी के बात करने की बात आती है तो गुस्सा था मेरे अंदर। मुझे मतलब इस बात की गुस्सा आ रहा था कि ये बोल रहा था कि मैं ठीक से शॉर्ट आउट दूंगा, ठीक से शॉर्ट आउट दूंगा, और उसने ठीक से दिया नहीं, तो मुझे मतलब मुझे उससे बात करने का तक मन नहीं था। इतना मतलब मुझे दुख हुआ था। मतलब तो क्या हुआ, मैंने जब वो सेकंड चैनल पे वीडियो बनाई तो गरीब की कॉल पे हमारी वापस बात हुई, तो उसने मुझे बोला, अरे तेरे को अगर वो शॉर्ट आउट ठीक नहीं लगा तो मेरे पास तू तभी क्यों ना आया वापस बोलने के लिए। नहीं, क्या आपको इतना भी ठीक से नहीं पता कि मतलब एक बंदे ने आपके लिए आधा महीना एनिमेशन पे काम किया है रात तक बैठ के, और उसने आपसे बार बार यही पूछा था कि शाउट आउट ठीक से देना, शाउट आउट ठीक से देना, बस आपने भी बोला था कि ठीक से दे दूंगा। आपको क्या लगता है कि 5 सेकंड का शाउट आउट वो ठीक वाला शाउट आउट था, वो भी जो आखिर में दिया है, ये आपको ठीक लगता है क्या? मैं आपको बताऊं कि शाउट आउट देना कैसे देना चाहिए। गरीब ने मुझसे बोला था कि ही रिस्पेक्ट्स आर्टिस्ट्स, अब दिख रहा है कितना रिस्पेक्ट्स आर्टिस्ट्स। अगर उसको आर्टिस्ट की मेहनत के बारे में पता होता तो उसको खुद ये पता होता कि शाउट आउट कैसे देना। ये तो था एनिमेटर भाई के साइड का स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूँ गरीब भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट किया है, वो अपने लाइव स्ट्रीम में कुछ ये कहा एनिमेटर भाई के बारे में। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जो मैंने रिसेंट एनिमेशन वीडियो बनाई थी, जो आप लोगों को पता होगी, उसके ऊपर कुछ सीन हो गए। सीन तो कुछ नहीं हुए वैसे, अगर आपको पता हो, बेसिकली आप लोगों ने देख रखी होगी ये मेरी एनिमेशन वाली वीडियो। ये बेसिकली एनिमेट मैंने नहीं किया था, जो मैंने कह भी दिया था लास्ट में मेरे को एनिमेटेड भाई है। तो बेसिकली क्या हुआ कि वो मेरा छोटा भाई की तरह ही है, बट ही लाइक वो गुस्सा हो गया, उसे ऐसा लग रहा है कि जो शाउट आउट था वो लाइक लेजिट नहीं था या वो सही नहीं था। मैंने उससे पूछा था दो वीडियो डालने से पहले कि यार मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, ये है, ये सीन है, सब कुछ है, तू देख ले शाउट आउट सही है कि नहीं एंड एवरीथिंग, बट उसे बुरा लग रहा है एंड लाइक ही फेल्ट बैड एंड वो डिसअपॉइंटेड है ऐसे करके। तो बेसिकली यही पॉइंट है, इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग गाइस सब लोग जाओ एंड जस्ट टेल हिम कि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मेरा, एंड जस्ट एक बार के लिए गाइस जाके उसे बोल दो बस इतना सा ही है, मेरा पॉइंट ये है, मतलब मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैंने उसको एज अ छोटा भाई की तरह ही रखा था एंड मैंने काम कराया था एंड लाइक आई वॉन्टेड, बस यही था यार, लाइक क्या ही बोलूँ मैं। तो बुरा लग रहा है ना, ऑब्वियसली बात है, ठीक है यार, बट वो बात मुझे कह सकता था, बट कोई बात नहीं, लिंक दे दे, हाँ लिंक दे देता हूँ। तो ऐसा कोई सीन नहीं है यार, मैंने मतलब लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग है यार, मैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से और कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो जस्ट आई वॉन्ट के यार लॉन्डो भाई, बंदे ने मेहनत बहुत की थी, मानो ना मानो 15-20 दिन हम लोग लगातार कॉल पे थे, उसने हर एक मेरी चेंजेस को माना है, ऑब्वियसली उसके बाद अगर वो ऐसा सोच रहा है, ऐसा फील कर रहा है तो मुझे ख़राब लग रहा है। दैट द ओनली रीजन, मैं नहीं चाहता कि उसे ख़राब लगे या वो कुछ भी उल्टा सीधा समझे। गाइस अभी के लिए तो मैं यही कर रहा हूँ, बाकी जाके उसे थोड़ा प्यार दे दो लौंड।
चलो ये सब तो हो गया, लेकिन डैंक ऋषु कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, कंटेंट जमादार गरीब। इस वीडियो में डैंक ऋषु इसी टॉपिक के बारे में बात किया जो मैं अभी बात किया, एनिमेटर भाई एंड गरीब के बीच जो भी हुआ। मतलब एक तरफ से समझ जाओ डैंक ऋषु ने एक्सपोज किया कि कैसे जो है गरीब सिर्फ शाउट आउट का बात करता है किसी भी क्रिएटर्स के साथ, मतलब वो उनसे मतलब छोटे क्रिएटर के साथ मेहनत करवाता है, मतलब कोई भी मतलब मान लो उनके साथ मेहनत करवाता है, लेकिन बाद में वो शाउट आउट में ही निपटाने की बात करता है, मतलब पैसे की बात नहीं करता, वो पैसे देना नहीं चाहता। आप भी देखिए डैंक ऋषु क्या कहा। तो इन शॉर्ट में पहली बता देता हूँ एनिमेटर भाई का इस वीडियो में क्या रोल था। एनिमेटर भाई ने इस वीडियो के विजुअल्स तैयार किए हैं, इस वीडियो को एनिमेट किया है, जिसकी वजह से ये वीडियो ऐसी लग रही है। अगर एनिमेटर भाई ना होता तो ये वीडियो कुछ ऐसी लगती। तो एनिमेटर भाई को इन लोगों ने सपने सुहाने लड़कपन के दिखा के फिर लास्ट में बोल दिया कि यार शाउट आउट ले लियो यार, इतना तो कर ही सकता, हम पे पैसे गए यार हमारे बैंक अकाउंट में, ऐसा नहीं हम लोग मिलियनेयर्स हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है तू शाउट आउट ले लियो, जो कि फेयर है, कोई दिक्कत नहीं। एनिमेटर भाई को कोई दिक्कत नहीं तो मुझे क्या दिक्कत होगी, एनिमेटर भाई शाउट आउट के लिए मान गया। क्या यार इतनी देर से गालियां खिलवा रहे हो गरीब को, तुमको शर्म नहीं आती जरा सी भी? इतने टैलेंटेड बंदे को गालियां कौन खिलवाता है? इतने सारे तरीके होते हैं शाउट आउट देने के, हजार तरीके हैं, उसमें से भी सबसे गंदा तरीका ढूंढने में टैलेंट लगता है भाई, कैपेबिलिटी होनी चाहिए बंदे में, मतलब 100 तरीके होते हैं शाउट आउट देने के, उसका चैनल का लिंक कमेंट्स में पिन कर सकता था, लेकिन नहीं, ये सब कौन करता है। वीडियो में 5 सेकंड की फॉर्मेलिटी करके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के 5-10 सब्सक्राइबर्स की भीख दे दूंगा उसे, शाउट आउट ही तो होता है वो भी। देख गरीब, आई हाईली डाउट तेरे को इम्प्लांट्स के अलावा कोई और इंग्लिश वर्ड आता होगा, लेकिन भोसड़ी के तेरे में एम्पथी नाम की चीज नहीं है क्या बिल्कुल भी? मादरचोद जिसने तेरी पूरी वीडियो बनाई, पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, तूने उसको शाउट आउट क्या दिया? और हाँ गाइस, द एनिमेशन वाज डन बाय एनिमेटेड भाई, तो प्लीज उसे भी चेकआउट कर लेना, मस्त बंदा है। चल लौटे 1000 रुपए और 5 सेकंड के शाउट आउट के लिए आधे महीने गांड घिसने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, 2000 सब्सक्राइबर मुबारक हो। तो डैंक ऋषु के इस वीडियो में एक और यूट्यूबर का पता चला, मतलब पहले से पता था, कीर्ति चाव नाम का एक यूट्यूबर है। तो बहुत साल पहले तो क्या 1-1.5 साल पहले जो है गरीब कीर्ति चाव के साथ काम करना चाहता था, लेकिन उस टाइम पे कीर्ति चाव ने गरीब के साथ काम नहीं किया। लेकिन जब कीर्ति चाव का बात एनिमेटर भाई से हुआ, तब कीर्ति चाव को पता चला कि गरीब जो है कीर्ति चाव के बारे में बहुत गलत चीजें लोगों को फैला रहा है, कि मतलब कीर्ति चाव ने गरीब से पैसे मांगे थे काम करने के लिए, इसके वजह से जो है गरीब ने मना कर दिया उनके साथ काम करना, ऐसा वैसा। एंड ऑल्सो कीर्ति चाव यहाँ पर बताया कि उनके एंड गरीब के बीच जो है पैसों का बात हुआ ही नहीं था। मेरा भी एनिमेटर भाई जैसा ही सेम डिट्टो वही केस है, बस डिफरेंस इतना है कि मुझे इसकी हरकतों से पहले ही पता लग गया था एंड मैं उसी टाइम बैक ऑफ कर गया, एंड आई वाज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दिस। ऋषु ने मेरे को कॉल करके पूरा मैटर बताया एंड मैं कभी कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह में नहीं पढ़ता हूँ, बट जब मैंने एनिमेटर भाई से पर्सनली बात की तो मुझे पता लगा कि इसने मेरे बारे में सबको झूठ बोल रखा है कि कीर्ति ने पैसे मांगे मेरे से, इसलिए मैंने कीर्ति को मना कर दिया। साफ झूठ यार, साफ झूठ। हमारे बीच कभी पैसे की बात हुई नहीं, तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई हैव टू स्पीक दिस आउट। गरीब ऐसा टाइप का बंदा है ना जो ऊपर से दिखाता है कि मैं बहुत सोशल हूँ, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन अंदर से उसको सिर्फ अपना फायदा दिखता है। इतना ही नहीं, डैंक ऋषु अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया जहां पर जो है गरीब CarryMinati को अब्यूज कर रहा है। यह स्क्रीनशॉट बेसिकली एक यूट्यूबर का है जिसका नाम लोकल सीरीज नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, उसके वीडियो का यह स्क्रीनशॉट है जहां पर लोकल सीरीज अपने वीडियो में गरीब एंड उसके बीच जो चैट हुआ था उसको वो लीक किया था अपने वीडियो में। इस वीडियो में लोकल सीरीज बताया कि उसका एंड गरीब का बात कैसे हुआ, क्या क्या बात हुआ, सब कुछ बताया है। मैं उस वीडियो का छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूँ, पूरा वीडियो देखना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। चलो आओ देखते हैं इसने अपने इंस्पिरेशन CarryMinati के बारे में क्या बोला है। कैरी भी भड़वा निकला, एक मेल का रिप्लाई नहीं किया, हाँ चूतिया है साला। हाँ भाई हाँ, अजय को उतना ही टाइम है भाई तेरे मेल चेक करते बैठे, उसको और कोई काम धंधा ही नहीं है। अजय यार कैसे सांप पाल रखे है यार। देख रहे हो भाई ये स्माइल, देख रहे हो। सांपों से बचो भाई, सांपों से बचो, देश बाद में सुरक्षित होगा, पहले सांपों से बचो। और इतना ही नहीं, एक और रैपर है यहाँ पर दानव नाम से, उसके साथ भी जो है गरीब ने कुछ ऐसे ही करने की कोशिश की, मतलब शाउट आउट से मतलब लालच दिखाने की कोशिश की। मतलब यहाँ पर गरीब जो है दानव से एक रैप सॉन्ग बनाना चाहता था, लेकिन उसके बदले गरीब दानव को शाउट आउट देना चाहता था, ना कि पैसा। एंड दानव जो है वो पैसे के लिए काम करता, ऑब्वियस ही बात है एक आर्टिस्ट है, पैसे की जरूरत होती है, तो ऑब्वियस ही बात है वो पैसे के लिए ही काम करेगा। अभी आप स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे गरीब एंड दानव के चैट का, मतलब ये जो पूरा एक्सपोज वीडियो बनाया गया है गरीब के ऊपर, जितनों ने भी बनाया है वो सबका एक ही कहना है कि मतलब गरीब जो है क्रिएटर्स का रिस्पेक्ट नहीं करता एंड पैसे का लालची इंसान है। भले ही उसके पास बहुत ज्यादा पैसे है, वो हमेशा दूसरों से काम करवाना चाहता है, लेकिन उसके बदले वो सिर्फ शाउट आउट देना चाहता है, ना कि वो पैसे। इतना ही अपडेट्स मिला है मुझे अभी तक गरीब का ये जो कॉन्ट्रोवर्सी है इससे रिलेटेड। कुछ भी अपडेट मुझे इन फ्यूचर अगर मिलता है तो आप लोगों को मेरे
मेरे वीडियोस के थ्रू पता चल जाएगा। एंड यार मैं आजकल सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर कवर कर रहा हूँ क्योंकि न्यूज ही नहीं मिल रहा है। पता ही है लॉकडाउन है, पता नहीं न्यूज ही नहीं मिल रहा है यूट्यूब कम्युनिटी में। क्या हो रखा है, कुछ दे दो यार कॉन्ट्रोवर्सी। मेरे भी व्यूज आएंगे और जनता को भी मजा आ जाएगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही न्यूज था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। एंड इसी तरह के यूट्यूब कम्युनिटी या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।